बदले करवटे हैं मेरू के उस सागर पे धरती की उस चादर पे मीलों धोरों की सिलवटे हैं पगड़ी सर पे सजती है शहनाई जो बजती है उसके घर आने की ये आहटे हैं Truly, Dungarpur visit is going to be one of the most memorable phases of my tour so far. क्योंकि यहाँ हर कदम पर मुझे कुछ ऐसा देखने को जानने को मिला जिसे मैं शायद ही कभी भुला पाऊंगी जैसे कि आज की मेरी मुलाकात प्रिंसेस प्रिया दर्शनी से जिन्होंने मुझे डूंगरपुर के खान पान की स्पेशलिटी से रूबरू कराया जैसे मेरे हस्बैंड से कल रिक्वेस्ट किया था यहाँ की लोकल क्यूजीन के लिए डूंगरपुर की स्पेशलिटीज तो मैं आज आपको डूंगरपुर की स्पेशलिटीज हाउस ऑफ डूंगरपुर की दो बताती हूँ एक तो है द्राक्ष चिकन और दूसरा है मक्की का सोईता एंड द्राक्ष चिकन ओके तो अब पहले अपन द्राक्ष चिकन बनाएंगे उसके बाद में मक्की का सोईता और द्राक्ष चिकन क्या होता है द्राक्ष चिकन पहले हम लोग तो पार्ट्रिज से बनाते थे तीतर से पर अब हम चिकन से बना रहे हैं चिकन है अनियंस हरी मिर्ची एंड द्राक्ष चिकन है तीन चिकन है अराउंड थ्री एंड हाफ किलो एक किलो स्लाइस्ड अनियंस है तीन करछी तेल है 300 grams ऑफ द्राक्ष सोप्ड इन वाटर 10 हरी मिर्ची है स्लिट एंड सॉल्ट एंड ट्यूमरिक टू योर टेस्ट सो दीज आर द 5 इंग्रेडिएंट्स हाँ दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ओके सो हाउ टू स्टार्ट पहले हम प्याज छोंकेंगे उसके बाद और कब तक इनको इसको जब तक थोड़ा ब्राउन होगा पहले ब्राउन करेंगे उसके बाद में हरी मिर्ची डालेंगे दे मेक अ नाइस क्रैकलिंग साउंड या ऑयल इज हॉट ओके सो लेट मी यूज़ दिस टाइम टू आस्क यू कि कल मेरी युवराज जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपने विदेशों में भी काफ़ी कुकरी शोज़ किए हैं सो कुड यू प्लीज़ शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद मी यस आई डिड अराउंड 23 फूड फेस्टिवल्स 23 एंड वेंट टू स्विट्जरलैंड 8 टाइम्स एंड आई डिड 23 फूड फेस्टिवल आई स्टार्टेड इन 91 एंड टिल 2000 आई डिड And I was only 21 years old girl. Wow. And I used to do Rajasthani food festivals in different restaurants, in departmental stores, different hotels, and cater for about 2 to 3 months and come back home. Wow. So, आपका interest कहाँ से आया? For cooking? Interest बिल्कुल नहीं था cooking में, but my father forced me to do cooking because as a girl you must learn. Okay. So I started cooking when I was 13 years old. And then I developed taste and interest. Interest. और राजस्थानी food इतना rich है, इतना tasty है, तो like
आपके हिसाब से क्या चीज़ है जो कि राजस्थान की पहचान है व्हेन इट कम्स टू फूड? इट्स नॉट वेरी रिच बट हाँ, हम लोग बहुत कर्ड्स एंड लाल मिर्ची यूज़ करते हैं विच कीप्स कूल बिकॉज ऑफ डेजर्ट. आई कम फ्रॉम जोधपुर, मैरिड इन डूंगरपुर, बट हियर यू सी बिकॉज ऑफ द हीट फैक्टर इट द कर्ड एंड द लाल मिर्ची कीप्स यू कूल. लाल मिर्ची ऑल्सो कीप्स यू कूल? यस इट डज. इट्स नॉट दैट वॉट लाइक गरम मसाला इज रादर हॉट, लाल मिर्ची इज नॉट दैट. I mean, it's spicy, but it keeps cool, not like garam masala. Okay. So it's not very rich, but Wow. डूंगरपुर की स्पेशल डिशेज आई एम डूइंग आज तो जैसे मक्की का सोयता कर रहे हैं. डूंगरपुर में स्पेशलिटीज दे लाइक टू स्मोक एवरीथिंग. स्मोक मीन्स दुंगार देना, धुआं देना. जैसे हिंदी में धुआं कहते हैं, हम लोग कहते हैं दुंगार देना. एवरीथिंग इज स्मोक, वेदर इट इज छाछ और पुलाव. Very few houses you'll find, but Dungarpur specialities are smoked chicken, smoked this, everything is smoked. Today even our makki ka soita is going to be smoked. Okay, so it's like some chonk? No, it is with coal and ghee. Coal and ghee. And this, then the dhuma take the smell, the aroma is more of dhuma. Okay, yeah. So it's like taste plus the smell. Yes. Okay, yes. To turn on your senses. Yes. और आपकी स्पेशलिटी क्या है राजस्थानी खाने में? वेल आई रियली लव एंजॉय माय नॉन वेज, सो आई डू लॉट ऑफ सुलास. सुलास लाल मांस, बाजरे का खीच, खाटा. खाटा खाटा इज कड़ी. कड़ी वी ऑल से कड़ी, वी से खाटा. खाटा खाटा नाइस. एंड लाइक सुलास जो बारबेक्यू सॉर्ट ऑफ थिंग. बारबेक्यू सॉर्ट ऑफ थिंग यस. लाइक यू हैव तंदूरी चिकन. Exactly. Or chicken tikkas, we do with mutton and chicken. Okay. Yes. Princess, आपने बताया कि ये जो द्राक्ष चिकन है ये पहले तीतर से बनता था, तो पहले we were allowed to hunt, so we could shoot partridges and make with partridge. But now that we are not allowed, we make it with chicken. Was it easily available? Yes. Those days, yes. Okay. Okay. I'm talking about years back. Okay. अब ये अनियंस ब्राउन हो गए हैं तो अब हम हरी मिर्ची डालेंगे. पहले हरी मिर्ची टॉस कर दो, अंदर डाल दो पूरी. हाँ हाँ डाल. और अब ये हिला दो पहले. Like onion, then green chili. Green chili. Okay. We just toss them for a minute and then we'll put chicken. It's not marinated chicken. Nothing. Just cut, washed and cut. Okay. Then mixing well. Yes. Now we have the namak. First you mix it well. Yeah, you mix it well. The minute you put salt, because of onions and salt together, it will leave some water. Okay. So it's going to be cooked in that water. You don't have to add any some water. Extra water. No. It's already smelling nice. How much salt? It's to your taste, but about three small spoons, coffee spoons. You know, okay. And then turmeric? Turmeric is also around three. So these were the five. These were, and now last, when it is getting to cook, like you know, it's about to be ready to eat, then we'll put draksh. Draksh. Then it's going to be done about 55 minutes in the draksh. अब ये तैयार होने वाला है तो हम द्राक्ष डाल देंगे. द्राक्ष डालने के बाद उसको द्राक्ष में थोड़ा कुक करेंगे एंड देन इन अबाउट 5 मिनट्स रेडी टू सर्व. ओके. देन मिक्सिंग इट वेल फर्स्ट एंड देन 5 मिनट्स एंड फॉर इट टू कुक एंड देन इट्स रेडी टू बी सर्व. ओके. It smells nice. I hope it tastes good. Of course. So Angela, now our chicken is ready. But I won't let you taste till we do a vegetarian dish. God. And then you can try both together.
as you say, princess. So now we are doing makki ka sweta, vegetarian. ये मक्की है साबुत मक्की. दिस इज पेस्टेड ग्राइंडेड मक्की. अनियन स्लाइस, टमाटो प्यूरी, मिर्ची, धनिया, हल्दी, ऑल द मसाला. दिस इज साबुत गरम मसाला. उसमें से अपन ये पांच चीज़ें ले रहे हैं. साई जीरा, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, सिनेमन एंड बे लीव्स. एंड वी टेक चॉप टमेटोज ऑल्सो एंड कोरिएंडर एंड द एंड टू गार्निश. ओके Now we'll start cooking. Okay. So tell me about you. Hello. She's my daughter, Shivanjali. Okay. So here comes Princess Shivanjali. Shivanjali? Yes, Shivanjali. Okay. So we have to wait till the oil heats up, and then we put the garam masala and then the onions. Okay. Now the oil is hot, so we will add the garam masala. Garam masala. Then we put the onions. कोई पहले जीरा कुछ ऐसा है या कुछ सारे सब? All five garam masalas go together. That's it. Yes. They started to crackle. Yeah. और अब हम प्याज डाल देंगे. Okay, right after the garam masala, you put the onions in. डाल दो. This time onion is round. And now we'll just wait for them to turn, you know, that golden pink, not brown, not but just brown, that, okay. They become transparent, you know. And this is normal curry, tomato this curry. This is tomato, fresh tomato curry. And you can see, now the onions are pink, light golden in color. Okay, only color. Light golden, yeah, not light brown. Golden, actually pink, ready, transfer. Transfer. And now we'll put the corn. Should I hand you over? Thank this you. One? Yeah, both. Okay. हमने पूरा कॉर्न भी लिया है एंड मैश्ड कॉर्न भी. सो लाइक रीजन बिकॉज देन यू नो हाफ इट्स लाइक अ सोइता सो इट शुड बी वेल कुक्ड बट देन यू शुड गेट अ साबुत कॉर्न आल्सो इन सोइता. इट्स कॉल्ड सोइता. सोइता मींस समथिंग ग्राइंडेड. ओके ग्रेवी. नो नॉट ग्रेवी समथिंग ग्राइंडेड नॉट होल ग्रेन्स. ओके होल ग्रेन्स विथ half mashed. Okay like supposing you do bajri ka soita, makki ka soita, then it's half is mashed grinded and the other half is okay. Now we are ready to put the rest of the ingredients. So we put the ingredients and cook. So we put tomato puree, chopped tomatoes, first puree, then whatever you can put this first, that one doesn't matter. And now we just stir it, I mean achhi tarah se, and we put the masalas. And once we put all the masalas, then we'll cook it together, everything. And then we'll be ready, but we have to cook for a while with all the masalas. Okay. Turmeric? Okay, yes. Lal mirchi powder. Little bit of dhaniya, okay? Just of lal mirchi and little bit of dhania. Little dhania, haldi and salt. Salt last me? Whichever it's okay. Any masala can come first. Okay, it doesn't okay, matter. Okay. Actually, Indian cooking is all about eyes. You don't cook it with measurements and spoons and all that. You just put and you see and you can add. Princess, you are an expert in this. No, it's not that. Every household, they do like that. So see, when I see that I feel more chilies, I can put some more chilies. Okay. Like that. But it's enough. She's saying something. So we let it cook now. Okay, kitna minute ke liye? About 5-8 minutes. Okay. Say 5 to 10 minutes. And then it's done. Yeah, it's done.
And what about this coriander? This is in the end, we'll garnish it after we smoke it. Once it's cooked, we'll smoke it. Okay, smoking is also there. Yeah, we have to smoke it. Okay. Now, Angela, this is ready, cooked. Now we have to do the last bit, that is smoking and garnishing with coriander. Okay, so first we do smoking. Smoking. And then garnish it when you are serving it in a dish. Okay. So first we'll smoke it. Now we'll do this for garnish. Now we'll smoke it. Isko andar daalenge usme and fir dhuaan denge. It's cabbage. The cabbage leaf, you put a burning coal and then we'll put few drops of ghee. Ghee, okay. Okay. And the smoke is come. Okay, when you put the ghee, then the smoke comes out, and with that, the smoke will take the taste, and the gas is switched off. Okay. And like, why? You can see the smoke also. Yeah. So like, why the smoking, and from where it came? Well, in House of Dungarpur, I have always seen everything smoked. Mm-hmm. It's sort of a tradition, or they like it, the taste buds. Mm-hmm. Everything is smoked, whether it's pulao or it's chaat or anything like salad also. Oh, wow. Yeah, we have a lot of things smoked. Mm-hmm. So also this it's is one of those dishes. Yes. So princess, how much time to get it fully smoked? About 5-7 minutes. 5 minutes is enough. Okay. It takes the aroma, the taste is everything is built in. So now it's more or less ready. We can take it out. Lots of smoke is coming out. Yeah, you can smell it. Wow. Now it's ready. We'll serve it and it's ready. And the coriander? When you serve it, we'll just garnish it on the dish. So it's ready. It's completely ready. Completely ready. This coriander part. And then we take it out. That corn smell is coming out. Yeah. Also, like some, I the don't smoke. Know exact taste of this but aroma, but yeah, there's something. Yeah, there's something different. Different. Yeah. Something extra, I would say. Okay. So now here we are ready to taste. So we can taste and have a lunch. Okay. So, Angela, what do you think of the food? Well, it's really delicious. This one is sweet and spicy. And this one, you know, you were talking about that smoke. You could taste the smoke. You could feel the smoke. You know, it has got some aromatic taste, which is really very nice. So in all, this lunch was very nice. I'm literally full with the real taste. My taste buds are full. So thank you so much, Princess, that you gave me this honor to have lunch with you, and moreover, lunch prepared by you. Oh, it was my pleasure to have you all, and I hope you enjoyed it. I enjoyed it fully, fully. Thank you. So, thank you very much. Thank you. You too. मुझे हर तरह का खाना अच्छा लगता है और फिर डूंगरपुर रॉयल हाउस की स्पेशल डिशेस खाने को मिले वो भी खुद प्रिंसेस ने बनाई हो तो फिर कहने ही क्या इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एक ऐसा सपना जो मैंने कभी देखा ही नहीं था एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था अब ये सपना था या सच बस इसी बात को सोचते सोचते गुजरा मेरे सफ़र का एक बिन मांगी खुशी देने वाला एक और यादों भरा दिन जब हर बार
और घर में जाके डोले नदियों का पानी होले इन झरनों से रसतों से भर ले तन मन हो।